तो यहाँ पे बारिश हुई है मंसूर में सबसे ज़्यादा, किस तरह से सर्वेक्षण किया जाएगा और क्या राहत के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश इसी एरिया में हुई है, मंदसौर झाबुआ धार तरफ ज़्यादा बारिश है, बुंदेलखंड में तो अपेक्षाकृत कम बारिश है। फिर भी जहाँ जहाँ बारिश से नुकसान हुआ है, बाढ़ से नुकसान हुआ है, सरकार पूरे तरीके से सजग है और कहीं भी धन जन की हानि हो, पशु हानि हो या मकान वगैरह गिर जाते हैं, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से खड़े हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमारे लिए यहाँ भेजा है और 60 लाख रुपए की राशि अभी तक हम जो जिन जिन को सहायता के रूप में बांट चुके हैं, कहीं जहाँ भी आवश्यकता होगी उसका भी हमने प्रावधान किया है। और जैसे मुझे बताया गया कि मल्हारगढ़ में नहर ही फट गई है, एक तालाब फटा हुआ है, तो तालाब फटने से वो नहर फटने का मुआवजा पहले नहीं मिलता था, ये पहली बार ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि नहर तालाब फटने का मुआवजा भी हम देंगे। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार का नुकसान है वो भी हम देंगे। और हमारा प्राकृतिक आपदा केंद्र बना है भोपाल में, कंट्रोल रूम बना हुआ है, कहीं भी मध्य प्रदेश से कोई भी खबर आती है, धन जन की हानि होती है, बाढ़ आती है, प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है, तो उसके लिए 24 घंटे राजस्व विभाग का आपदा केंद्र खुला हुआ है और कंट्रोल रूम में हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं नदी नालों पे जो अतिक्रमण है वो भी एक कारण है जल भराव का, तो उस पर क्या किया जाएगा प्रशासन? देखिए, ये मामला अभी इसके बाद हम लोग लेंगे, लेकिन हाँ ये भी है जहाँ अतिक्रमण के मामले हैं, जहाँ नाजायज मामलों उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये हमारे राजस्व जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अभी हमारा सोचना ये है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सुरक्षा दी जाए, स्वच्छ जगह पहुंचा जाए, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ये सोचना हमारा।